तो क्या हाल चाल है फ्रेंड्स। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हम लोग बात कर लें रजत दलाल के बारे में। तो भाई रजत दलाल को जैसे कि आपको पता होगा ना, अरेस्ट कर लिया गया है। और भाई जैसे कि मैंने आपको रीजन भी बता दिया था ना रजत दलाल को अरेस्ट करने का, तो भाई अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी तो सबसे पहले वो आप जाके देख लेना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इस वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो भाई रजत दलाल के ऊपर ना ये वाली एलिगेशन लगाई जा रही थी कि भाई उन्होंने एक बंदे के ऊपर टॉर्चर वगैरह किया था। तो भाई रजत दलाल के इस वाले न्यूज के बाद रजत दलाल अपने इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे और भाई वो इस वाले चीज पर कुछ ये बोले। तो भाई कैसे हैं सब? सबको पता ही होगा कि मेरी अरेस्ट हो गई थी, मैं अरेस्टेड था। पर कुछ चीजें मेरे को ही जेल से आने के बाद, सब निपटने के बाद पता चली हैं, जो कि मैंने करी हो मुझे पता ही नहीं था। एक जगह आया हुआ है कि मैंने किसी के मुंह पे पेशाब करा है, एक जगह आया मैंने ब्रूटली किसी को मारा है, और एक था मैंने किसी से स्टूल साफ कराया। बिलो द बेल्ट जाने की चीजें मेरे को समझ नहीं आती क्या है। मैं भी भाई इंसान हूँ और ये इंसानों वाले काम नहीं है, ये मेरे को बहुत अच्छे से चीज पता है। और FIR में क्या लिखा हुआ है? इतना लिखा हुआ भाई। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं गलत हूँ और मैं गलत था तो मैं जेल से बाहर कैसे हूँ? मेरे को बेल कैसे मिलेगी? अगर मैंने कोई गुनाह करा है तो मैं जेल के अंदर होना चाहिए ना, मैं जेल के बाहर कैसे? जो हमारा पुलिस प्रशासन है उसको भी सारी चीजें समझ में आती है, किसने क्या चीज करी है क्या नहीं करी। कोर्ट में हियरिंग हुई थी और जो मेरे ऊपर केस लगा था किडनैपिंग का, अपहरण का, 2-3 उसमें धाराएं और भी थी, उसमें बेल मिलने का कोई पॉइंट ही नहीं होता भाई। जो हमारे जज बैठे हैं माननीय, उनको बहुत अच्छे से समझ में होती है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। और क्या क्या चीजें थी एक बार देख लो, लग जाता ना, इतना ही था। मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैंने कुछ करा होता तो मैं बाहर कैसे हो जाता ना? मेरे को बिना किसी नोटिस के पुलिस वालों ने उठाया, जो कि कानूनी रूप से जायज चीज नहीं। वहां पे एक जगह आया हुआ है कि मैंने मारपीट करी, भाई मेरे हाथों में बहुत अच्छी खासी जान होगी, अगर किसी को मारूंगा तो किसी के निशान तो आएगा ना। उस लड़के के पूरे शरीर पे एक निशान नहीं है, सिंगल एक निशान। और जो उसमें बोला हुआ है कि मैंने किसी की पसलियां तोड़ दी, अगर पसलियां टूटती हैं तो कहीं फ्रैक्चर होता है, कहीं निशान आता है, कहीं कलर तो चेंज होता है ना, उसमें सब कुछ एग्जैक्ट है। उसके घर वाले हियरिंग तक पे नहीं आए भाई। कि एक होता है ना पुलिस चौकी में आके सब काम करवा के, अगर तुमने किसी पे केस करा है, पूरी हियरिंग के दौरान उनके वकील के पास एक सिंगल प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। जो भी मेरे ऊपर एलिगेशन लगाई है, मैंने टॉयलेट कराया है, मैंने मारा है, सब कुछ साफ कराया है, एक सिंगल प्रूफ नहीं था। और देखने तो पॉइंटर क्या क्या थे उनके, चोट के निशान थे। वो लड़का 1 महीने से मेरे बारे में उल्टा सीधा डाले जा रहा था और अपने आप को सिग्मा बनाया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हाँ भाई मैं सिग्मा हूं। अपनी बारी में अगर कुछ चीज हो गई तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई और FIR कर भी दी, चलो सही है, बहुत अच्छी चीज है। FIR का एक भी पॉइंट, सिंगल एक भी पॉइंट उन्होंने जब भी सुनवाई हुई उस टाइम क्लियर नहीं करा, ना मारपीट का, ना लड़ाई का, ना किडनैपिंग का। मेरे पास वीडियोस हैं, व्लॉगिंग कर रहा था उस टाइम, कि वो लड़का आके खुद मेरी गाड़ी में बैठ, उस लड़के को उसकी मम्मी के पास जब छोड़ के आया हूँ ना, उसकी पूरी प्रॉपर रिकॉर्डिंग है। वहां पे 8-9 लड़के और खड़े थे, उस लड़के ने खुद अपनी मम्मी के पैर छुए, वहां उठक बैठक लगा के अपनी मम्मी से सॉरी बोली, मेरे से नहीं, मेरे पैर नहीं, अपनी मम्मी के पैर छुए। मेरे पास एक एक चीज की रिकॉर्डिंग है, कहते ना जिसको प्रॉपर रिकॉर्डिंग, मैंने अभी तक कहीं डाली नहीं है क्योंकि मेरे को पता है हियरिंग के टाइम पे मेरे पास एविडेंस है। उसके पास एक सिंगल भी एविडेंस नहीं है जिसके बेस पे वो ये बोल सके कि रजत दलाल ने कुछ करा है। और ये चीज मीडिया में उछली कैसे? एक और केस चल रहा था किसी पुलिस वाले का, XYZ चीज थी, वो मैं बर्ली नहीं बोल सकता। उस चीज के लिए पुलिस वालों के वो मीडिया वाले आए हुए थे, मेरे लिए नहीं आए हुए थे, उनको उस केस से कुछ नहीं मिला तो उन्होंने मेरा केस डाल दिया। और भाई ये हमारी मीडिया इतनी प्यारी इतनी अच्छी है, मेरे ऊपर भाई एलिगेशन लगे हैं, मैं अक्यूज्ड हूं, मैं गिल्टी नहीं हूं। उन्होंने जो बात बोली है वो वर्बली बोली है FIR में कि रजत ने ये चीज करी, वो कहीं से कहीं तक उसका एक भी माननीय प्रूफ नहीं है। उस लड़के का मेडिकल तो हुआ होगा, पूरे शरीर पे एक चोट का निशान नहीं है, सिंगल एक चोट का। मैंने अगर ब्रूटली उसको मारा है, ब्रूटली वो पिटा है, तो कहीं तो एक निशान तो होगा, सिंगल एक निशान। अगर उसकी